हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल्स। माय नेम इज़ राहुल और आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक एयर ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने कंप्लीट कर दिए हमारे 4 टॉपिक्स, रोड्स, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज और इम्पोर्टेंट के हमारे रेलवेज, वो हमने क्या कर दिए है, डिस्कस कर लिया है। आज हम करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। PDF के लिंक के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है थ्रू एयर, तो वो हम किस में देखेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट में। और इंडिया हैज़ बायलेटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है कितने कंट्रीज़ के साथ, 103 कंट्रीज़ के साथ। इंडिया में हमारे लगभग 450+ एयरपोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में। और इसमें आपने एक जात रखनी है इम्पोर्टेंट, हमारे क्या स्टेच एक बॉडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी थी, ये हमारे अप्रैल 1995 में बनी थी। और ये मैनेजेस करती है लगभग हमारे कितने टोटल ऑफ एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, 153 हमारे एयरपोर्ट टोटल ये मैनेज कर रही है। अभी रिसेंटली जो अपडेटेड डाटा है वो मैंने यहाँ पे कॉपी की हुआ है, जिसमें इंक्लूड है हमारे कितने 29 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर हमारे कितने आते हैं, 29 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 10 हमारे कौन से आते हैं, कस्टम एयरपोर्ट्स। और 114 हमारे कितने आ रहे हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। इसी के साथ हमारे क्या आ रहे हैं, 25 हमारे सिविल इंक्लेव्स एट डिफेंस एयरफील्ड। ये आपने सारी की सारी वैल्यूज़ क्या रखनी है, जा रखनी है। टोटल आपने जा रखने हैं क्या, 53। और आपने जा रखने हैं इंटरनेशनल कितने हमारे, 29। दो आपने ये इंपॉर्टेंट जा रखनी है। कब ये किसके अंदर आती है, हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्रिएटेड किसने की थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो इसको क्रिएट किया गया था। किसके अंदर काम करती है, ये हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि किसके अंदर आता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने ये भी जा रखनी है, हमारे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था क्या, ओपन एयर पॉलिसी फॉर कार्गो, कब की थी, 1992 में। साथ ही में एयर इंडिया भी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1947 में, विद जो कि जनरली किसके लिए काम करती है, इंटरनेशनल एयर सर्विसेज के लिए। और हमारे इंडियन एयरलाइंस भी इन्होंने की थी 1953 में, जो कि हमारे किसके लिए काम करती है, मैक्सिमम डोमेस्टिक एयर कैरियर के लिए, ठीक है। अब ये मैंने लिखे हुए सारे के सारे जो हमारे क्या है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर हमारे जो आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं हमारे, वो मैंने लिखे हुए यहाँ पे। देन टोटल कस्टम एयरपोर्ट्स, टोटल हमारे एयरपोर्ट्स 153। अब आगे चलते हैं, हमारे पास कैटेगरीज ऑफ एयरपोर्ट कौन कौन सी है हमारे इंडिया में, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं हमारे कौन सी है, कस्टम एयरपोर्ट्स, डिफेंस एयरपोर्ट, डोमेस्टिक फ्यूचर एक्सपेंशन वाले, तय इंटरनेशनल और प्राइवेट एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब कस्टम में कौन से आ जाएंगे, जो हमारे सिंपल नॉर्मल एयरपोर्ट्स विद कस्टम चेकिंग्स एंड क्लियरेंस फैसिलिटीज हैंडलिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स बट नॉट एलिवेटेड टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस नहीं मिला जिनको, ठीक है, वो अपने जिसमें आ जाते हैं हमारे किस में, कस्टम में अंदर। डिफेंस वाले वो आए हैं कि जो हमारे इंडियन आर्मीज वगैरह यूज़ करती हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं, डिफेंस के अंदर। डोमेस्टिक आ जाते हैं जो हमारी क्या करती है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हमारी स्टेट टू स्टेट अगर जाना हो किसने है, तो वो हमारे डोमेस्टिक में आ जाएगा। ऐसे ही हमारे फ्यूचर वाले जो एक्सपेंशन हो रहे हैं या उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो इसमें आ जाएंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए अगर वन कंट्री टू अनदर कंट्री आपने जाना है, तो उसके लिए हैंडल करती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। देन प्राइवेट्स है हमारे कुछ, जैसे प्राइवेट्स अगर ने कोई आपने प्रैक्टिसेस वगैरह करनी है अपने फ्लाइट्स वगैरह की, तो वो हमारे प्राइवेट में आ जाता है, ठीक है। अब रोल ऑफ एयरपोर्ट में भी आपको पूछ सकते हैं, सिविल इंक्लेव में कौन से आ जाते हैं, जैसे अब सिविल इंक्लेव में आ जाता है जैसे मिलिट्री एयरपोर्ट्स आ जाते हैं हमारे, जैसे हमारे J&K में आता है हमारा जम्मू एयरपोर्ट, वो हमारे इसी अंदर आता है, कौन सा, सिविल इंक्लेव के अंदर, ठीक है। बट ये हमारे क्या करते हैं, हैंडल करते हैं क्या कमर्शियल फ्लाइट्स भी, ये भी अपने जा रखने इसमें, ठीक है। क्लोज्ड आ जाएंगे जो हमारे क्या हो गया, अभी बंद हो गया,
देन कमर्शियल में आ जाएंगे, जैसे जो हैंडल करते हैं क्या कमर्शियल फ्लाइट्स हैंडल करते हैं। एयरबेस में आ जाएंगे हमारे कौन से जो मिलिट्री एयरबेसिस हैं हमारे। देन फ्लाइंग स्कूल में आ जाएंगे, जैसे प्राइवेट्स वगैरह आ जाएंगे पायलट्स के ट्रेनिंग के लिए। ठीक, अब आगे हम चलते हैं हमारा कहाँ पे, जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो रेड वाले हैं वो हमारे सारे के क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जी। ठीक है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने क्या जा रखना है, जो इम्पोर्टेंट जो मैं आपको अभी बताता जाऊंगा। यहाँ पे सबसे बड़ा आपने जा रखना है कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो हमारे इंडिया में वो कौन सा, हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे जी, हमारा दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे कितने हैं, हमारे 34। मैंने अभी आपको बताया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर हमारे कितने आते हैं, हमारे 29, बट ऑपरेशनल हमारे कितने हैं 34, ये आपने जा रखना है इसमें। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हमारा वो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, कंस्ट्रक्टर किया है जहाँ पे कितना 5495 एकड़ में। इट इज़ ऑल्सो द बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी हमारे इंडिया में है, फॉलोड बाय कहाँ पे, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है वो हमारा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है जी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कौन सा, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा कहाँ पे, केरला में, उसको फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि डेवलप किया गया है अंदर किसके अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर। ठीक है, जे एग्ज़ाम में पूछते हैं आपको जे ऐसे पूछेंगे। ऐसे ही आपको जुहू, जो हमारा क्या है जुहू एयरोड्रोम कहाँ पे है जी, मुंबई में है जो, वो फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है हमारे इंडिया में, कब बना था जी हमारा 1928 में। ऐसे ही एयरपोर्ट ऑफ त्रिची जो कि स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट है हमारे इंडिया में कहाँ पे, एयरपोर्ट ऑफ त्रिची जहाँ पे, कौन सी स्टेट है जी, तमिलनाडु। ऐसे ही हमारा क्या है, जैसे लद्दाख में अभी हमारा क्या है एयरपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, कमर्शियल एयरपोर्ट है यहाँ पे जो कि 23rd हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट है इन दी वर्ल्ड, कितने मीटर पे है ये हमारा 3256 मीटर पे। ठीक है, अब जहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये 2 3 4, ठीक है, केरला में मैक्सिमम ज़्यादा आपको क्या दिखेंगे, एयरपोर्ट दिखेंगे। ठीक है, अगर पूछेंगे एग्ज़ाम में कहाँ पे सब कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है, तो वो हमारी कौन सी है, केरला। ठीक है, जी आपने जा रखना है इसके लिए। ऐसे ही जहाँ पे भी एक आपको दिख रहा होगा कौन सा एयरपोर्ट, जहाँ पे तमिलनाडु में मदुराई एयरपोर्ट, ये हमारा क्या है सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इसको माना गया। ठीक है, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है ये जहाँ पे, जे भी इसके लेटर आपने जा रखना है। और आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट है जो फुली सोलर पैनल से हमारा चल रहा है यहाँ पे, तो आपको वो भी पता होना चाहिए हमारा कौन सा, कोचिन एयरपोर्ट। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट और आ जाता है हमारे पास इसी के रिलेटेड कि करंट में हमारा क्या चल रहा है। करंट में यहाँ पे ये चल रहा है कि जो जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के जो हमारे क्या सीएम है, उन्होंने क्या किया है कि प्लान बनाया कि टू डेवलप कौन सा, जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए एज एशिया का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट। अगर एग्ज़ाम में पूछेंगे तो कौन से स्टेट में बन रहा है, तो हमारा क्या है यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक, जी इसके लिए आपने जा रखना है कितने इसमें क्या होंगे रनवेज होंगे, 6 होंगे। ठीक है, 6 रनवेज होंगे जा रखना आपने, जे भी जे रनवेज दिख रहे हैं आपको, ये टोटल 6 होंगे। अभी कौन सा हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। साथ ही में यहाँ पे भी जो यूपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रेजेंट किया था कौन सा, फर्स्ट पेपरलेस बजट इन दी यूपी उत्तर प्रदेश असेंबली। ठीक है, ये आपने जा रखना है इसके लेटर करंट में एग्ज़ाम में। और एक इम्पॉर्टेंट आपने क्या रखनी है, जहाँ पे स्कीम भी जा रखनी है, जहाँ पे कौन सी एयरपोर्ट के लेटर कौन सी, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक क्या है कि जो लोग हैं आम लोगों को, उनको जहाज़ों से मौका मिले कहाँ पे जाने के लिए, एक दूसरी स्टेट से जाने के लिए। ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप स्मॉलर रीजनल एयरपोर्ट्स फॉर इजी एक्सेस टू एविएशन। ठीक है, ये आपने जान रखना है कि उड़ान जो स्कीम है वो किसके रिलेटेड है।
ऐसी ये स्कीम हमारी दूसरी और भी स्कीमों के नाम के साथ लिंक होती है, बट आपने ये वाली जा रखनी है कि ये हमारी किसके साथ है, एयरपोर्ट्स के रिलेटेड है। ठीक, ये थे हमारे किसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो हमारा एयरपोर्ट में आपने पढ़ना है बेसिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब। ओके, थैंक यू।